हेलो, आज हम बनाएंगे सांदन। ये स्वीट डिश है कोकन की। ये हमने आधा किलो चावल लिए, इसको अच्छी तरह धोकर हमने इसको सुखाया फैन के नीचे और इसका रवा तैयार किए। ये बारीक रवा है और ये जाड़ा वाला है। ये 2 गिलास चावल हो गए, तो ये 1½ बारीक है और 1/2 गिलास ये मोटा वाला। और 1/4 किलो शक्कर लिए हमने, 1 नारियल, तो ये गाढ़ा वाला उसका दूध निकला है, और ये पतला वाला। ये पतले वाले से हम खोए तैयार करेंगे। 1 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून ईस्ट। अगर आपके पास ईस्ट नहीं है तो आप बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं। अभी सबसे पहले हम खोए को तैयार करेंगे। हमने गैस पर टोप रखे हैं और इसमें पतला वाला जो नारियल का दूध है उसको हमने इसमें ऐड किए। अब इसको एक जोश आ जाएगा, फिर इसमें हम नमक डालेंगे। अब इसमें जोश आ रहा है, इसमें नमक डालेंगे हम और ये मोटा रवा उसको भी डालेंगे। इसको हम जैसा खीमट पकाते हैं उसी तरह इसको पकाएंगे। ये खोए हो गए रेडी, अभी गैस ऑफ करेंगे और इसको ठंडा करेंगे। ये खोए हो गए ठंडी, इसको हमने बाउल में निकाल लिए एक प्याले में। अभी इसमें हम नारियल का दूध डालेंगे जो गाढ़ा वाला है। और इसको मिक्स करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अब इसमें हम शक्कर डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसमें बारीक वाला जो रवा है उसको डालेंगे हम चावल का और मिक्स करते जाएंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अभी इसमें हम ईस्ट डालेंगे 1/2 टीस्पून। वैसे अगर नहीं डालना चाहे तो नहीं भी डालेंगे चलेगा, वो ऐसे भी वो फूल जाएगा। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अभी इसको हम 6-7 घंटे के लिए इस तरह छोड़ देंगे कवर करके और फिर हम इसके सांदन बनाएंगे। ये हमारा आटा फूल गया है, 8 घंटे हो गए इसको रखकर। ये अच्छी तरह फूल के आ चुका है ऊपर। अभी हम इसके सांदन बनाएंगे। हमने इसको 5 मिनट अच्छी तरह इसको हमने फेंट दिया ऐसा इस तरह से। अभी हम प्लेट में इसको लगाएंगे घी को हल्के हाथों से। मेरे पास सांदन का साँचा नहीं है, मैं इसको टोप में बनाऊंगी। ये इस तरह की प्लेटें हैं मेरे पास, ये इसमें 1-1 चम्मच जैसा डाल के इसको। इसको प्लेट में डालने के बाद इस तरह टैप टैप करना चाहिए क्योंकि जो बबल्स अंदर रहते हैं वो सही हो जाते हैं। मैंने ये टोप में रखी हूँ, इसके अंदर मैंने एक स्टैंड रखी हूँ स्टील का ओवन वाला, और अभी इसके ऊपर प्लेटें रखूंगी ये इस तरह से एक एक करके। इसको 20 मिनट के लिए मैं कवर करके इसी तरह रखूंगी स्टील में, ये हो जाएगा। चेक करेंगे हो चुका है ये। अब गैस को हम ऑफ करके निकालेंगे। इसको इस तरह ठंडे पानी में रखेंगे थाली में। ये ठंडा होने पे हम इसको निकालेंगे बाहर। अभी इसको हम, ये अच्छी तरह ये हो चुका है, इसको छुरी से इस तरह निकालेंगे, इजीली निकल जाता है ये। ये इस तरह होना चाहिए। दूसरा भी हम निकालेंगे इसी तरह, ये इस तरह से। ये अभी हमने 3 बनाए थे,
अभी और इसी तरह सारे हम बनाएंगे। ये हो गया रेडी, हमने सर्व किए, बहुत अच्छा बनाया है, एकदम सॉफ्ट है। आप भी इसी तरह बनाइए, थोड़ी इसमें मेहनत लगती है लेकिन बहुत इजी है ये। ये इस तरह से एकदम सॉफ्ट, और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।